सचिव और सरपंच के दम पर चल रही पंचायत, पंचों के साथ हो रहा भेदभाव, उप सरपंच का छलका दर्द, लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं तो सरपंच के साथ साथ वार्ड पंचों को भी चुना जाता है और जो पंच प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरता है वो सरपंच के बराबर ही मेहनत कर अपनी वार्ड की जनता को विश्वास दिलाकर वार्ड पंच बन जाता है और जिस वार्ड का पंच होता है उस वार्ड की जनता उस पंच से अपने वार्ड में हो रही समस्याओं का निराकरण करने की आस लगाती है और कहती भी है कि हमारे द्वारा अपना कीमती मत देकर वार्ड पंच तो बना दिया गया है और अब वार्ड पंच अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जिसको लेकर सक्रिय पंच अपनी वार्ड की छोटी बड़ी समस्याओं को उठाना प्रारंभ कर देता है और ग्राम सभा में अपनी बातें रखता है जो ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिवों को नहीं भाता, जिसके कारण जनता की आवाज उठाने वाले पंचों को पंचायत से दरकिनार कर दिया जाता है, न उन्हें ग्राम सभा में बुलाया जाता है और न किसी बात की जानकारी दी जाती है। सचिव, सरपंच एवं रोजगार सहायक मिलकर पंचायत चलाने में लग जाते हैं। जिस पंच को जनता ने ही चुना है वो पंच के हाथ में सिर्फ पद बस हाथ में लगता है, वो भी उस पद का उपयोग नहीं कर पाता, यदि उपयोग करता भी है तो सुनवाई नहीं हो पाती। एक ऐसा ही ताजा मामला विजय राघवगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत उबरा से निकलकर सामने आया है, जहां की महिला पंच सहित उप सरपंच ने ग्राम पंचायत सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार एवं भेदभाव का आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत उबरा के वार्ड नंबर 6 की महिला पंच मुन्नीबाई जायसवाल का आरोप है कि हमें मानदेय वेतन एक बार प्राप्त हुआ है, इसके बाद से नहीं मिला है। जब मेरे द्वारा इसकी बात सरपंच सचिव से रखी गई तो बोला जाता है कि नहीं मिलता है, एक बार मिल गया ये भाग्य की बात है। अपने ग्राम पंचायत में हुए स्वच्छता के कार्यों की पोल खोलते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में सीसी सड़क के साथ नालियां बनी हुई हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा साफ सफाई नहीं कराई जाती, पूरी सड़कें कीचड़ में तब्दील है, ग्रामीणों को तरह तरह की बीमारियों की आशंका बनी हुई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी बताया गया कि जो जरूरतमंद गरीब हैं उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्राम रोजगार सहायक उमादत्त विश्वकर्मा व सरपंच द्वारा जनपद के जिम्मेदारों की मिलीभगत से ग्राम के रसूखदारों को दिया जाता है, गरीब आश लगाए बैठे हुए हैं, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बड़ों का बोलबाला है। ग्राम पंचायत में जब कोई बैठक लगती है तो हम पंचों को नहीं पूछा जाता है, सरपंच सचिव रोजगार सहायक अपने मनमर्जी से प्रस्ताव डाल देते हैं और काम करवाते रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम नाम के लिए पंच बने हैं, हमारी कोई पूछ परख नहीं है। वहीं उप सरपंच राजेंद्र सिंह बागरी का कहना है कि उबरा पंचायत में हो रहे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, कुछ कार्य तो हुए नहीं है जिनकी राशि को सरपंच रोजगार सहायक मिलकर हजम कर गए हैं। श्री बागरी ने यह भी बताया कि सामने जो ताला लटक रहा है वो ग्राम पंचायत भवन का है, सप्ताह के 5 दिनों तक लटकता है, 2 दिन खुलता है, ग्राम पंचायत रोजगार सहायक आता ही नहीं, ग्राम की जनता अपना काम करवाने के लिए भटकती रहती है। उप सरपंच राजेंद्र बागरी सहित ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री व जिले के कलेक्टर से ग्राम पंचायत उबरा की जिला स्तरीय से निष्पक्ष जांच करवाकर पंचायत रोजगार सहायक उमादत्त विश्वकर्मा एवं सरपंच के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। आम सभा में क्या आपको सूचना मिलती है और आप आम सभा में ग्राम सभा में उपस्थित होती हैं या नहीं? एक साल बुलवाए थे, फिर उसके बाद कोई सूचना नहीं मिलती, न कोई बुलवाता न कोई हमको पूछते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 5 साल में, हाँ 7 साल के कार्यकाल आ जाए, 7 साल के कार्यकाल में आप एक ही बार बैठक में उपस्थित? बस एक बार सूचना मिली, इसके बाद कोई सूचना नहीं, कब बैठते हैं कब उठते हैं, क्या होता क्या नहीं होता। ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायतों में एक जब ग्राम सभा लगती है तो प्रस्ताव भी डाला जाता है जी। इस प्रस्ताव में जिस जो प्रस्ताव डाला जाता है उस संबंध में क्या सचिव और सरपंच यहाँ के आपको इस संबंध में जानकारी देते हैं कि हमने ऐसा प्रस्ताव डाला है, इसमें से आप सहमत हो या नहीं? नहीं, कभी नहीं देते हैं सर ऐसी बिल्कुल जानकारी? बिल्कुल जानकारी नहीं किसी भी पंच को? किसी भी पंच को। कितने पंच है यहाँ? 14। आप किस वार्ड से हैं? 6 नंबर। नाम क्या है आपका? मुन्नीबाई जायसवाल। ग्राम पंचायत उबरा। जनपद पंचायत बिजरावगढ़। जिला कटनी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।